हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरीज विद एसआरजे। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी कर्नाटका ट्रिप का बजट। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपने हमारे कर्नाटका सीरीज के वीडियोज़ देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम कर्नाटका गए थे नवंबर 2021 में। ये हमारी रोड ट्रिप थी, तो हम अपनी कार लेके गए थे। आज मैं आपके साथ इस कर्नाटका ट्रिप का पूरा बजट शेयर करने वाली हूँ। हमने कौन से होटल में स्टे किया था, हमें कितना टोल भरना पड़ा, हमारे फूड का कॉस्ट कितना हुआ, कितना फ्यूल लगा, ये सब मैं आपको डे वाइज बताऊँगी। डे वन में हम अर्ली मॉर्निंग ही नवी मुंबई से बदामी कर्नाटका के लिए निकल गए थे। लेकिन बदामी जाने से पहले हम गए थे कोपेश्वर टेम्पल, जो कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बॉर्डर पे है। हमें कोल्हापुर से थोड़ा अंदर जाना पड़ा था, फिर वहाँ पे हमने दर्शन लिए और उसके बाद हम गए बदामी। कोपेश्वर टेम्पल ये शिवजी का टेम्पल है और इसके पीछे की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत सुंदर टेम्पल है। कोपेश्वर टेम्पल विजिट करने के बाद हम गए बदामी। बदामी में हम रात को पहुँचे, तो हमें पूरे दिन का, मतलब नवी मुंबई से बदामी तक हमें टोल लगा 810 रुपीज़ का। फूड का कॉस्ट हुआ 270 रुपीज़, क्योंकि हमने दोपहर का लंच घर से ही बना के ले लिया था, तो हमने रात में हल्का फुल्का ही खाया, तो उसका 270 रुपीज़ हो गया था। और स्टे का हमारा हुआ था 2060 रुपीज़। हमने KSTDC बदामी में स्टे किया था। फर्स्ट डे हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा था, मतलब एंट्री टिकट्स वगैरह नहीं लगे थे, तो इन सब का टोटल होता है 3140 रुपीज़। हम पूरा दिन ट्रैवलिंग करके थक गए थे, इसलिए मैंने होटल का शूट नहीं किया है, बाकी सब होटल्स का मैंने शूट किया है। और जो फ्यूल का कॉस्ट होगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, और हम फिर वो सब टोटल करेंगे। डे टू में हम मॉर्निंग में ही होटल से चेकआउट करके बदामी केव टेम्पल्स एक्सप्लोर करने आ गए। KSTDC बदामी के पास में ये केव टेम्पल्स है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यहाँ पे आपको लॉर्ड शिवा के, लॉर्ड विष्णु के बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। केव टेम्पल्स देखने के बाद हम लोग निकल गए हम्पी के लिए। पूरे ट्रिप पे हम फ्रूट्स गाड़ी में लेकर ही खा रहे थे, इससे हमारा टाइम सेव हो रहा था। हम्पी में होटल में पहुंचने के बाद हमने लंच किया और होटल में थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर इवनिंग को हम चले गए विरूपक्ष टेम्पल। पड़ा था 90 रुपीज़ का। फूड का कॉस्ट हुआ था 830 रुपीज़। स्टे का कॉस्ट हुआ था 2916। हम लोग KSTDC हम्पी में स्टे कर रहे थे। बदामी में भी हमने KSTDC में ही हम रुके थे। शायद वो होटल्स नॉन निगोशिएबल है, वो उनका फिक्स रेट था, वो कुछ कम नहीं कर रहे थे। और एक्स्ट्रास हुआ 95, मतलब जो हमने एंट्री टिकट्स वगैरह पे किया उसका हो गया 95। तो इस पूरा टोटल होता है सबकी 4015। डे थ्री में हमने पूरा हम्पी एक्सप्लोर किया था। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हमने होटल से चेकआउट किया और हम निकल गए विजय विठ्ठला टेम्पल देख। वहाँ पे आपको इस इलेक्ट्रिक कार में जाना पड़ता है, इसका टिकट 40 रुपीज़ था। और आगे भी हम लोग जितने पॉइंट्स पे गए वहाँ पे 40-50 ऐसा टिकट था, आपको वो व्लॉग्स में डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो ये है विजय विठ्ठला टेम्पल।
उसके बाद हम आ गए क्वींस बाग देखने। यह है रॉयल इन्क्लोजर के पॉइंट्स, यह है पुष्करणी, एलिफेंट स्टेबल, और ये सब एक दूसरे के पास में ही थे। वो सब पॉइंट्स देखने के बाद हम गए हम्पी के दूसरे साइड में हिप्पी आइलैंड, और वो वहाँ से 18 किलोमीटर्स की दूरी पर था। हिप्पी आइलैंड आने के बाद हम लोग गए अंजनाद्री पर्वत, जिसे हनुमान जी का जन्मस्थल भी कहा जाता है। वहाँ पे हमें 575 स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना था। ये हमारे होटल का ही रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने डिनर किया। हम लोग स्टे कर रहे थे वंडरलस्ट हम्पी में। तो डे 3 में हमें टोल नहीं भरना पड़ा था, क्योंकि हम हम्पी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट गए थे हिप्पी आइलैंड, तो हमें टोल तो नहीं पे करना पड़ा था। फूड का हो गया था 490 रुपीज़, देन स्टे का हो गया था 1200। हम लोगों ने स्टे किया था वंडरलस्ट हम्पी में। एक्चुअली हम्पी के उस पार्ट से हिप्पी आइलैंड में अफोर्डेबल स्टे है, और हम वीकडेज पे गए थे तो हमें काफ़ी रीजनेबल पड़ा था। देन एक्स्ट्रा जो एंट्री टिकट्स थे उनका मिला के हो गया था 200, तो सबका टोटल होता है 1890। डे 4 में एक्चुअली हम हम्पी से गोवा जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया और हम चले गए मुरुडेश्वर। हम्पी से मुरुडेश्वर का डिस्टेंस है 369 किलोमीटर्स। रास्ते में हमारा यहाँ पे शिव जी की सेकेंड हाईएस्ट स्टैचू है, और वो बहुत ही मैसिव स्टैचू है। डे 4 में हमें टोल लगा था 170 रुपीज़, फूड का कॉस्ट हो गया था 626 रुपीज़, एंड स्टे हो गया था 700। हमने नेत्रानी रेसिडेंसी में स्टे किया था, वो काफ़ी रीजनेबल था, और एक्स्ट्रा लगा था 20 रुपीज़, तो इन सब का टोटल होता है 1516। सो इन 4 डेज़ की हम टोटल करें तो हमें अमाउंट मिलती है 10,561, एंड अभी बाकी है फ्यूल। तो हम जब घर से निकले थे तभी हमने 2300 का फ्यूल डाला था, और जब हम हम्पी गए तभी हमने 2000 का फ्यूल भराया था, तो वो होते हैं 4300। तो हम दोनों की अगर टोटल करें तो हमें अमाउंट मिलती है 14,861, तो 15K से भी कम है, लेकिन मैंने राउंड फिगर करके 15K बताया था। सो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। टिल देन, बाय बाय।